का भी ड्रामा, कोई फिल्म, कोई और चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ अटैच की, ये सिंगल एक सॉन्ग है आपका सिर्फ? और ये इसको कितना टाइम लगा, इसकी प्रोडक्शन कैसी थी, क्या है, कहाँ शूट हुआ, इसकी थोड़ी डिटेल बता दें जी। ये सोनली जो है वीडियो है, वीडियो शूट हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं है। और इसको हमें ऑलमोस्ट भी 1 वीक लगा इसको शूट करते हुए, डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया, लाहौर में थॉरली हमने इसको शूट किया है। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इसको शूट करने का। और अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल नए आर्टिस्ट हैं, ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और ये इनका पहला प्रोजेक्ट है, और आप लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी ही है। तो ऑब्वियसली एक न्यू टैलेंट जब मार्केट में कोई आता है तो उसको कोई गाइडलाइन नहीं होती, इसको कोई गाइडेंस नहीं होती कि किधर जाना है, रिलीज़ कहाँ पे करना है, पीआर किससे करवानी है, सोशल मीडिया कैंपेन कौन करेगा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हम लोग दे रहे हैं एक नए आर्टिस्ट के लिए, एक ही अंडर वन रूफ हम लोग हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सामने प्रोजेक्ट है, तो इसी तरह हम लोग और भी नए जितने भी आर्टिस्ट हमारे पैनल पर आते जा रहे हैं। हमारा ये प्लान है कि हम हर मंथ एक वीडियो लॉन्च करेंगे। हमारा जो बैक स्टेज और आइकॉनिक का जो हमारा एक मेन मोटिव है वो ये है कि हर मंथ एक वीडियो आएगा और उसमें नए आर्टिस्ट भी होंगे और मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट भी होंगे। पहला प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं देखा, फलक शबीर का, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, दर्द कहानी के नाम से। अच्छा सर, आपने कहा कि नया बिल्कुल जी जी, वीडियो में एक दो सीन ऐसे हैं कि वो नया नहीं लगते, काफ़ी एक्सपीरियंस वो बिल्कुल जी बिल्कुल कौन से हैं, हमने तो देखे नहीं है, दोबारा चलाए हैं हमने, तो लेट आए हैं। अच्छा, वो फिर मुझे इश्तियाक हो गया, वो देखना चाहता हूँ, वो मैं देखना चाहता हूँ क्या है। एक आध सीन है उसमें काफी एक्सपीरियंस, शिप्रा साहब की बात जो है ना वो समझने वाली है। हाँ मैं समझ गया, नहीं नहीं ठाकुर साहब मुझे पता आप कौन सी बात कर रहे हैं। मैं अच्छा, ये अब्दुल्ला ये सवाल है, ये आज की जो हालात है कोरोना आपको पता है, ऐसे में तो जो मंझे पे जो सिंगर हैं वो घर बैठे हुए हैं, तो ये शौकीन गुलूकार जो है मैदान में, तो मैंने ये पूछना था कि अभी आपको कैसे ये ख्याल आया कि एकदम से आप पूरी तौर पर अपना अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया? नहीं अभी तो नहीं, ये लोग हम लोग 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है 2 साल हो गए इसको बने हुए। और उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँ कि हम सिंगर के अलावा हम सबका कलेक्टिवली 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फ़खर जो फ़खर अब्बास हैं ये पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, और बड़े बड़े इन्होंने आर्टिस्टों के गाने प्रोड्यूस किए हैं। और मेरा ताल्लुक जो है वो रेडियो इंडस्ट्री से रहा है, 12 साल से मैं रेडियो पे एज अ ब्रॉडकास्टर काम करता रहा हूँ। और जो रियान भाई हैं ये माशाल्लाह इनके मल्टीपल काम हैं, प्रॉपर्टी भी और इसमें साथ में पीआर भी कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने फिर इसको देखा कि यार एक गैप है इंडस्ट्री में, एक गैप है जो कि कोई भी नहीं कर रहा। जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं वो आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आता, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता। तो इसमें सोली हम लोग जो हैं वो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं। सर आप नए आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपका आइडिया अभी भी नहीं चल रहा है, आइडिया नया क्यों नहीं है? मेरा इसको आइडिया समझ लें, इस चीज़ को मेरा आइडिया समझ लें, या वैसे मैं आपसे सवाल समझ लें, जो भी है, जिस तरह से आप बॉलीवुड में चले जाएँ, आप हॉलीवुड में चले जाएँ, आप किसी और इंडस्ट्री में जाएँ, वहाँ पे रिसर्च लेवल के प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं जो कि बहुत फेम पकड़ रहे हैं, बहुत फॉलोअर्स पकड़ रहे हैं, उनकी रिसर्च पे काम हो रहा है, नए आर्टिस्ट हैं लेकिन उनकी रिसर्च पे काम बेस काम हो रहा है। हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई रिसर्च पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, सारे प्रोजेक्ट एक ही थीम पर जा रहे हैं, आप नए आर्टिस्ट पकड़ रहे हैं, तो नया आइडिया क्यों नहीं? जी आपका जो क्वेश्चन है वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आइडिया थोड़ा सा हमारा डिफरेंट इस हिसाब से भी है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो जिसकी हम लोग आज जिसकी वजह से इकट्ठे हुए, अभी एक बड़ा आर्टिस्ट होगा तो सब लोग जान रहे होंगे कि जी यहाँ पे इब्रार साहब बैठे हुए हैं या राहत फ़तेह अली खान साहब बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है कि आज अब्दुल्ला मलिक यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ तक लाने के लिए दो कंपनीज का, अब्दुल्ला की अपनी सेल्फ का जितनी मेहनत है उस चीज़ को डिफरेंशिएट करता है हर चीज़ से। इस देखें कोई भी आर्टिस्ट यहाँ तक आता है तो आर्टिस्ट को पता है कि वो क्या क्या पे करता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आज अब्दुल्ला के साथ बैठ के अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका पहला डेब्यू गाना कर रहे हैं, तो इसमें हमारा एक ये आइडिया था कि हर कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी,
बड़े आर्टिस्ट के पीछे ही भागती है। हम लोग बिल्कुल उल्टे वे से एक नए आर्टिस्टों को उस लेवल के ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी अपनी फाइनेंस भी लग रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे तो किसी का कोई अच्छा कमेंट भी शेयर नहीं किसी को करता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारे सोर्सेज हैं, आप अगर हमसाया मुल्क देखते हैं वहाँ पे सैकड़ों रैकेट्स लेबल हैं जो नए आर्टिस्टों को पकड़ते हैं, उनके ऊपर फाइनेंस लगाते हैं, उनको ऊपर लेके आते हैं और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। आज उनकी इंडस्ट्री कहाँ पे है? हमारी इंडस्ट्री किसी जगह पे भी नहीं है, एग्जिस्ट करती। तो हमारा मोटिव ये था कि हम लोग भी, बेशक हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हम यूज़ तो करें, हम कोशिश तो करें कि आर्टिस्टों को लें, उनको जितना भी एक्सपीरियंस मेरा है, रियान साहब का है, बिलावल चौधरी का है, या जितने हमारे वसाइल हैं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं भी आज से कोई 10-15 साल पहले इसी स्टेज पे था और मुझे लगता था मेरे बड़े पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, हसन साहब हैं, अशफाक साहब हैं, इनको इनके सामने हमारा करियर स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई इस थॉट के साथ काम करता हो, आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। तो उसी थिंकिंग के साथ हम लोगों ने ये पूरा एक वेंचर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग नए आर्टिस्टों को उसी तरह प्रेजेंट करेंगे जैसे कि वो हमारे लिए सुपरस्टार हैं, और इन्हीं में से कल लोग इंशाल्लाह सुपरस्टार्स होंगे, क्योंकि आज ये 19 साल का लड़का है और इतनी अच्छी प्रोडक्शंस अपने वसाइल के साथ हमारे वसाइल के साथ कर रहा है। विद इन 5 ईयर्स इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इससे बेहतर और बहुत बेहतरीन जाएगा। इसके बाद करेंगे अपना भी जॉनर होता है जिससे वो कंफर्टेबल रहता है, तो जब जिस तरह के ये सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, या थोड़ा इससे भी अच्छे मतलब मोड के सॉन्ग्स होंगे, तो रैप वाला तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर उनको थोड़ा सा रोमांटिक वर्ड दे दिया जाए तो वो मुस्बत इकदाम होगा। रोमांटिक वर्ड दे दीजिए जी, जी ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। सर आप दो लाइन गुनगुना दें तुझे इश्क हो खुदा करे और तू भी उससे जुदा हो, तेरे खाबरों ने टूट कर तुझे भी ये दर्द पता हो, तुझे इश्क हो खुदा करे और तू भी उससे जुदा हो, तेरे खाबरों ने टूट कर तुझे भी ये दर्द पता हो। आपने गुरुकारी को क्यों शुरू किया? कोई और शोभा नहीं, इतने पैसे किसी और जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं।